नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं दीपिका सिंह। जी हां, बजट की बात करेंगे। बजट में रेल को क्या मिलेगा, विशेषकर हमारे प्रदेश के उस बजट से क्या फायदा होगा, इसको लेकर लोग हर साल आस लगाए रहते हैं। कहते हैं रेल बजट को लेकर सियासत भी खूब होती है। जिस प्रदेश का रेल मंत्री होता है उस प्रदेश को विशेष फायदा होता है, या तो रेलों की संख्या को लेकर हो या फिर रेल से संबंधित उद्योग को लेकर। रेल बजट को राजनीति से जोड़ने की पुरानी परंपरा रही है। बहरहाल अब अलग रेल बजट की परंपरा खत्म हो चुकी है और ये आम बजट का हिस्सा है, लेकिन फिर भी रेल को लेकर लोगों के मन में आस बंधी रहती है। इसे आस टटोलने के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष ने सहरसा राजरानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एसी और जनरल बॉगी में सफर किया और कह सकते हैं खासोआम से जानने की कोशिश की कि इस साल के बजट में रेलवे क्या है उनकी उम्मीद। केंद्र में नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की सरकार आने के बाद रेलवे के हालात क्या हैं? क्या वास्तव में रेलवे में कुछ बदलाव हुआ है? क्या हालात दर्शकत है? अभी हम राज्यरानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस यानी पटना से सहरसा जाने वाली इस ट्रेन के हालात का जायजा लेंगे और ये तय करेंगे कि क्या वास्तव में हालात बदले हैं। सर, बताएंगे आप रेगुलर सहरसा जाते हैं या? नहीं, रेगुलर तो नहीं जाता, लेकिन मैं उम्मीद करके आया था कि चेयर कार है तो थोड़ी बेटर कंडीशन होगी, बट मुझे तो कुछ लग नहीं रहा है सर देखने से। क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के सरकार के गठन के बाद रेलवे की स्थिति अच्छी हुई? ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे, अभी तक तो लगा नहीं। देखे आप क्या फील करते हैं, कुछ अंतर आया है? डेफिनेटली अंतर आया है, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे वाईफाई का ये सुविधा किया गया, पानी वाटर वेंडरिंग मशीन लगाया गया, ये सब तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद हुआ है। टाइम रेलवे को टाइम पर चलाना चाहिए, इसमें कोई अंतर नहीं आया है। जैसे पहले था वैसे था, अब तो मौसम भी खुला है, फिर भी ये गाड़ी छोटी दूरी की गाड़ी है, टाइम से नहीं चल रही है, सुपरफास्ट गाड़ी होते हुए भी। इस सब पर ध्यान देना। क्या लगता है रेलवे में कुछ बदलाव आया है, मनमोहन सिंह के पीरियड का रेलवे और नरेंद्र मोदी के पीरियड के रेलवे में कुछ अंतर है? ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है, टाइमिंग तो बाहर कुछ चेंज नहीं हुआ है, वही टाइम है। एसी बोगी में है लेकिन एसी नहीं चल रहा है, क्या लग रहा है बदलाव है या कुछ इसी तरह के हालात हैं जो वर्षों पहले थे? बदलाव तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक के लिए टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम पे तो शुरू से नहीं चल रहा, आज भी नहीं चल रहा, तो आदमी को कोई भी अर्जेंसी है, कोई भी मीटिंग है, तो उसके वजह से हैम्पर हो जाता आदमी का काम। तो बाकी साफ सफाई में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है और बाकी ऐसा कोई खास नहीं। आप क्या सोचते हैं? लेट तो अभी भी चल रहा है, बट एटलीस्ट अभी मैसेज आने लग गया है, हमको पहले से इन्फॉर्मेशन है कि ये ट्रेन लेट चल रहा है। इट्स बेटर अभी सफाई वफाई भी थोड़ा बहुत समवट ठीक है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा? जी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है, बट अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। पटना से सहरसा जाने वाली ये ट्रेन के जो पैसेंजर्स हैं, ज्यादातर लोगों का कहना है कि जो पहले हालात थे वही हालात कमोबेश आज भी हैं। इन लोगों का मानना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर लेट लतीफी शाही है वो तमाम आज भी बरकरार है और जिस तरह के हालात हैं उसमें हर तरह के पैसेंजर हैं, हर उम्र के लोग हैं, जो रेगुलर विजिट करते हैं वो भी हैं, और जो जिस तरह से आप बताएंगे, आप तो क्या रेगुलर पैसेंजर हैं और क्या देख रहे हैं? बिल्कुल रेगुलर पैसेंजर हैं और आप अभी कुछ बतला रहे थे, मेरी असहमति है आपसे। मैं ये समझता हूं कि बदलाव इस तरह से है कि अगर आप एक्सपेक्टेशन को मैच करने की बात करेंगे, एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से एक जो कर्व है वो कर्व पॉजिटिविटी की तरफ है, उसमें दो मत नहीं है। सबसे बड़ी चीज है एक विश्वास। अभी एक छोटी सी बात कही गई कि बैठने के बाद अगर ये मैसेज दिया गया कि बैठ गए हम गाड़ी में, उसके बाद दिया कि 1:30 बजे गाड़ी जाएगी, तो ये भी पहली बार हो रहा है। तो जब भी कभी शुरुआत होती है टीजिंग इश्यूज होते हैं और मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी शुरुआत है। क्या अब लगता है कि रेलवे में सुरक्षा को लेकर थोड़ी जागरूकता बढ़ी है और कुछ हालात बदले? नहीं, हालात तो नहीं बदले हैं, हालात तो नहीं बदले हैं। हालांकि इसके पहले जो पूर्व रेल मंत्री थे उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन जो नीतीश कुमार के रिजिम में जो पहल हुई थी रेलवे की सुरक्षा संरक्षा के मामले में, वो पहल गुम हो गया है।
आप महिला पैसेंजर हैं, क्या देखती हैं रेलवे में सफर करना सुरक्षित है या अभी भी असुरक्षा की भावना घेरे रहता है? नहीं, अब तो कम हुई है सेफ्टी, अब फिर भी बढ़ी है। पहले के तहत पहले बहुत डर लगता था अकेले ट्रैवल करने में, पर अब ऐसा धीरे धीरे कम होते जा रहा है। आपके अनुसार क्या अंतर आया है पहले तब और अब में? पहले कहीं भी अकेले जाओ तो डर लगा रहता था कि कोई पीछा ना कर रहा हो, आसपास कोई ना हो, पर अब यहाँ पे कंप्लेन के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, हम कंप्लेन कर सकते हैं वहाँ पे जाके। कुछ क्षेत्र में तो बदलाव है, जैसे जैसी ट्रेन पहुंची है यहाँ देखे कि थोड़ा बहुत साफ सफाई हो रहा है। उसके बाद आप जो कुछ जिक्र किए हैं जैसे SMS वगैरह ये सब तो है, लेकिन कुछ क्षेत्र में अभी भी इसका काम करना बाकी है। जैसे कोहरा तो अभी है नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी साल भर देखते हैं कि ट्रेन टाइमली नहीं पहुंचता, तो इस मामले में तो ये करना होगा। सुरक्षा क्षेत्र में भी इसका थोड़ा बहुत काम करना है। कोहरे के आड़ में ट्रेनें लेट हो जाती है, वो एक तो विंटर में एक बहाना हो जाती है, लेकिन ये मतलब समर के सीजन में क्यों लेट होती है, तो ये सब होता नहीं चाहिए। अब अगर मतलब विशेष कोई कारण ना हो तो टाइमली मतलब शेड्यूल मेंटेन होना चाहिए, टाइम टेबल, और बाकी सुरक्षा के मामले में थोड़ा बहुत ध्यान देना है सरकार को। लेकिन अगर पहले के अपेक्षा में हम तुलना करें डेवलप हो रहा है, ऐसे बात नहीं कि नहीं हो रहा, अंतर है। दो महत्वपूर्ण जो कमियां हैं आपके नजर में क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमिंग को सुधरना है, जो क्योंकि हम कुछ दिन पहले देखे हैं एक फैमिली आ रहा था भागलपुर से, उसको पकड़ना था पटना से आपका न्यू दिल्ली वाला जो राजधानी, उसका छूट गया क्योंकि भागलपुर वाली ट्रेन इतना लेट कर दिया वो निकल गया। मैंने ऐसा कोई फैमिली लेके जाए और बीच में ऐसा ट्रेन निकल गया तो इसमें बहुत फैमिली परेशान में फिर चले जाती, इसको भी थोड़ा दिखना चाहिए रेलवे को। तो कई तरह की सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन अभी भी कई बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि रेलवे इम्प्रूव करे। और जो संतोषजनक हालात हैं वो तो नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन लोगों ने ये उम्मीद जताई है कि जो कुछ अंतर किया गया है वो संतोषजनक है और रेलवे को अभी भी बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है। AC बोगी के बाद हम आ पहुंचे हैं जनरल बोगी में, जहां आम यात्री सफर करते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये बोगी पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है और ये तमाम पैसेंजर लगातार इस ट्रेन से सफर करते हैं। इन तमाम लोगों की क्या राय है, क्या वास्तव में रेलवे में बदलाव हुआ है या फिर हालात जस के तस हैं? क्या उन्हें जो यात्रियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल पाती है या अत्यधिक भीड़ कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या लगता है सफर जो करते हैं रेलवे में बदलाव देख रहे हैं? कुछ बदलाव नहीं देख रहे, भीड़ का काफी सामना करना पड़ रहा है। हम लोग तो जैसे तैसे चढ़ जाते हैं, मगर बुजुर्ग लोग को काफी दिक्कत होती है। तो कोई बदलाव नहीं है और गंदगी ज्यादा है, भीड़ का कोई उपाय नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है सफर करने में। ट्रेनें समय से चलती है या फिर लेट लगती? समय से भी नहीं चल रही है, अभी इसका टाइम 12:45 को खुलने का है, अभी तक तो नहीं खुली है। मोदी जी ट्रेन कहते हैं कि मतलब बुलेट ट्रेन चलाएंगे, मतलब फलना ट्रेन चलाएंगे, चिल्ला ट्रेन चलाएंगे, जो ट्रेन आम आदमी के लिए है उसमें तो सही से सुविधा मिल नहीं रही है, और कहते हैं कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बुलेट ट्रेन में क्या होगा, कौन लोग चढ़ेंगे? हम लोग का है वहाँ चढ़ने का कुवत और हैसियत, हम लोग चढ़ सकते हैं उसमें? नहीं चढ़ सकते हैं। और कहते हैं कि घर घर लेने जाएंगे यात्री को, घर घर लेने जाएंगे, ऐसा है व्यवस्था? लग रहा है कि बदलाव हो रहा है, ये लग रहा है कि सही में अच्छे दिन आ गए, यही है अच्छे दिन। क्या बदला है भारतीय रेल? जी नहीं, बदला नहीं है अभी तक। अगर हम लोग घर जाते हैं सोचते हैं कि हम लोग जल्दी घर पहुंच जाएं, लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं ट्रेन की वजह से। हम लोग की बस छूट जाती है तो नाइट में ठंडी के महीने में रहना पड़ता है स्टेशन पे। यानी सरकार लाख दावा कर ले, रेलवे का हालात वही है, यानी जस के तस बने हुए हैं। यात्रियों को जो कल परेशानी होती थी वही परेशानी आज भी होती है, यानी ओवरलोड, सुरक्षा, लेट लतीफी और कई तरह की जो बुनियादी जरूरतें खास करके ट्रेनों के को लेकर होती है वो आज भी बरकरार है। यानी यात्रियों के मन में अभी भी वो संतोष नहीं है जो एक बदलाव के बाद संतोष दिखाई देता है। शायद यही वजह है कि जो यात्री हैं, ज्यादातर लोगों का मानना है कि हालात बदले नहीं हैं, जस के तस हैं, रेलवे को अभी बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है ताकि आम यात्रियों को सुविधा मिल सके। और जो सरकार आम लोगों की बात करती है, आम यात्रियों की बात करती है, उसे तो सामान्य सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है। शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोगों ने ना कहा है और कहा है कि अभी भी रेलवे को बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है। इस समय कैमरामैन धीरज गुप्ता के साथ पटना से आशुतोष कुमार।
तो रेलवे को बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। वहीं आपको बता दें, संवाददाता आशुतोष ने ब्रह्मपुत्र मेल के भी एसी बोगी में सफर किया और रेल बजट को लेकर लोगों से उम्मीदों पर चर्चा की। अब हम आ पहुंचे हैं ब्रह्मपुत्र मेल के एसी बॉगी में और इस बॉगी में चढ़ने वाले यात्रियों से हम सीधी बात करेंगे कि क्या भारतीय रेल वास्तव में बदला है। क्या लगता है, कुछ बदलाव है रेलवे की? एक्चुअली हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव है, बट इट्स नॉट, मतलब इतने अच्छे तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर रहा है जैसा कि होना चाहिए। ट्रेन वैसे ही लेट है। हाँ, अगर आप ईस्टर्न जोन को देखें तो उस तरफ बहुत प्रोग्रेस है, जैसे कि गुजरात से अहमदाबाद से जो मुंबई के लिए ट्रेन चली है वो सब बहुत सही है। इस तरफ ऐसा कोई प्रोग्रेस नहीं है। इधर जो सिचुएशन थी पहले वही है। मैं दिल्ली से अभी वापस आया था साहिबगंज की तरफ, ट्रेन 24 घंटे लेट चल रही थी। अभी मैं फिर वापस जा रहा हूँ, ये अभी 2 घंटे लेट चल रही है और पता नहीं कितनी होगी। अगर असुविधाओं की बात करें तो मूलभूत असुविधाएं क्या है? हाइजीनिक नहीं है ट्रेन, चूहे दौड़ रहे हैं इधर उधर, एयर कंडीशन कोच है लेकिन वो सिचुएशन नहीं है जो होना चाहिए एक एयर कंडीशन कोच में। इट्स जस्ट लाइक अ जनरल कोच। और पैंट्री की जहाँ तक बात करें फूडिंग की, तो वो भी हाइजीनिक नहीं है। तो गवर्नमेंट इंडियन रेलवे को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, जो फेयर वो लेती है उस हिसाब से हमें वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। भारतीय रेल बदला है मनमोहन सिंह के पीरियड से लेकर मोदी जी के पीरियड तक में? थोड़ा तो सर बदला है, पहले से थोड़ा अच्छा हो गया अभी मोदी जी के टाइम पर, यह हम लोग देख कर बहुत अच्छा लगा। बाकी साफ सफाई भी ट्रेन का अच्छा है, पहले जैसा नहीं था, अभी थोड़ा बदला हुआ है। अगर गड़बड़ी की बात करें तो क्या अभी भी गड़बड़ी बरकरार है? गड़बड़ तो इतना तो होगा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो है, ये इतना तो सक्सेसफुल नहीं होगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। वास्तव में लेट झेले हैं? ना, लेट तो है, अभी तो बहुत लेट चलता है ट्रेन कम, लेट का वजह से बाकी दिक्कत है, बाकी जो तकरीबन ठीक है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बदलाव दिखा है रेलवे में? कुछ तो है, चेंज हुआ है, कुछ चेंजिंग है। क्या बदलाव दिखा? कुछ टाइमिंग पर गाड़ी चल रही है, पहले तो लेट चलती थी, समय से नहीं चलती थी, कुछ समय से गाड़ी चल रही है, ये हुआ है। साफ सफाई पर ध्यान दिया गया है। फील हो रहा है एसी बॉगी में घूम रहे हैं? हाँ, कुछ तो है, ठीक है, चल रही है। सुरक्षा की अगर बात करें तो सेफ्टी का ख्याल तो उतना नहीं है, उतना रेल अभी नहीं है सेफ्टी में, तो पैसेंजर को फ्री दिया जाए। एक कमी की अगर हम बात करें तो आपके नजर में वो कौन सी कमी दिखाई दे रही है जिसको सुधारने की जरूरत? कमी सही टाइम से परिचालन, सेफ्टी भी है, गाड़ी को सही टाइम पर अगर पहुंचाया जाए डेस्टिनेशन पर तो ठीक है, डेस्टिनेशन पर पहुंचाया तो नहीं है गाड़ी। सुपर फास्ट ट्रेन एसी बॉगी का हाल हमने दिखाया, यात्री कई तरह के अपनी बात इन्होंने रखा और कहा कि कुछ लोगों ने संतोष जाहिर की, कुछ लोगों ने कहा कुछ सुविधाओं में बदलाव की जरूरत है। एक तरह से कहें भारतीय रेल में जो टेक्नोलॉजी का बदलाव हुआ है, यानी एसएमएस के जरिए सूचना मुहैया करा देना या फिर कई तरह की बातें जो की गई है उसको लेके तो लोगों ने संतोष जाहिर की है, लेकिन लेट लतीफी यानी ट्रेनों के लेट होने पर ज्यादातर लोगों ने सवाल खड़ा किया है। महिलाओं ने सुरक्षा की बात कही है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दावे तो लंबे चौड़े किए जाते हैं लेकिन अभी भी ग्राउंड पर बहुत कुछ करने की जरूरत है। इस समय कैमरामैन धीरज गुप्ता के साथ पटना से आशुतोष कुमार। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नीतीश के इलाके में चलने वाली ट्रेन की और जानेंगे झारखंड के रेल यात्रियों की अपेक्षाएं।